जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तूने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तूने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तूने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तूने मेरी शुद्धि ली, मैं बंदीगृह में था और तूने मुझे मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाया? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटी से छोटी भाइयों में से किसी एक के साथ किया है, वह मेरे साथ किया है। हालेलुया। तब वह भाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तूने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तूने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तूने मुझे कपड़े नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तूने मेरी शुद्धि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटी सी छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया, और वे अंत दंड को भोगेंगे, परंतु धर्मी अंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। मैं पियो, ये वचन हमें सिखाता है कि आज उस समय है जो भारत देश में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास खाने को नहीं होगा, जिनके पास पीने को नहीं होगा, जिनके पास कपड़े पहनने को नहीं होगा, हम उन्हें देने वाले हो जाएं। जाकर हम केवल अपने बारे में ही ना सोचे, यही समय है जब हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। हालेलुया। और हम ये मनुष्यों के नहीं, बल्कि हम प्रभु की आज्ञाओं पे कहे अनुसार हम चल रहे हैं। यहाँ पास लिखा है, इन छोटे से छोटे भाइयों में किसी एक के साथ किया तो वह मेरे साथ भी किया। हालेलुया। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।